नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम IRCTC पर रेल टिकट कैसे बुक करते हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल साथ बताने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी हमारी ये जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मैं IRCTC पे रेल टिकट कैसे बुक करते हैं इसके बारे में आपको बताते रहा। सबसे पहले आपको गूगल पे IRCTC टाइप करना होगा। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं आप, IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर खुल के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप बनाएँ उसको आप यहाँ पे सिंपली भर लेंगे। पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड भरेंगे। उसके बाद फिर लॉगिन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये खुल के आ गया है। यहाँ पे आप फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन और जर्नी डेट उसके बाद फिर टिकट टाइप करके सबमिट कर लेंगे। और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि आप कोई टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे। और इसके बाद अपने टिकट बुक की और टिकट की यहाँ पर हिस्ट्री आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिफंड आया है कि नहीं। यहाँ से आप प्रिंट टिकट कर सकते हैं, अपने टिकट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले भर के दिखा दे रहा हूँ बुक करके टिकट। यहाँ पे आप फ्रॉम स्टेशन मतलब आप जर्नी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ कर देंगे। इसके बाद फिर कहाँ आप जा रहे हैं उसको कर लेंगे। इसके बाद जर्नी डेट, इसके बाद फिर टिकट टाइप। यहाँ पे ई टिकट आप रहने दीजिएगा क्योंकि आई टिकट पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई टिकट करके सबमिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारी ट्रेनों की लिस्ट जो है खुल के आपके सामने आ गई है। तो मैं यहाँ पे स्लीपर में ट्रेवल करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं इन सबको अनटिक कर देता हूँ ताकि और जो सारी ट्रेनें होंगी वो हट जाएंगी। उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लेडीज फिजिकल हैंडीकैप जनरल, मैं यहाँ पे जनरल ही रहने देता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं श्रमजीवी एक्सप्रेस में देखता हूँ कि कोई सीट अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे श्रमजीवी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैं हिमगिरी में चेक करता हूँ, हिमगिरी में भी नहीं है। तो यहाँ पे बेगमपुरा एक्सप्रेस में आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अवेलेबल 185 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसके बाद आप ये बुक नाउ करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके सामने ये प्रोफार्मा खुल के आ जाएगा। आप इसको सिंपली भर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन नेम बेगमपुरा और ट्रेन नंबर दिया हुआ है जौनपुर सिटी और इसके बाद फिर डेट दिया हुआ है टू स्टेशन रिजर्वेशन कहाँ सकता है, ये स्लीपर आपका कोटा दिया हुआ है जनरल कोटा। इसके बाद यहाँ पे आप छः लोगों का एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना टिकट बुक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपना नाम भर दूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एज डालनी होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी उम्र फीमेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको बर्थ लेना हो लोअर मिडिल अपर साइड लोअर और साइड अपर। तो यहाँ पर मैं साइड लोअर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ भी भरना नहीं होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपके साथ कोई बच्चा 5 साल जो कि 5 साल के नीचे का है ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर उसको आप नाम भर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही से लिखिएगा क्योंकि आपके मोबाइल पे कंफर्म टिकट का मैसेज आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भरना होगा।
कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई है, दिखा रहा है प्रवीण कुमार एज 25 मेल स्लीपर, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ₹200 टिकट का चार्ज है। सर आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप हुई है, इसके बाद आपको तो दोस्तों इसके बाद इस सब सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप भीम UPI USDT डेबिट कार्ड विथ भीम नेट बैंकिंग वीजा वॉलेट कैश कार्ड IRCTC प्रीपेड IRCTC ई वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली डेबिट कार्ड विथ पिन के साथ करता हूँ। यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम चूज कर लेंगे, अगर नहीं भी दिया हो तो आपके बैंक का नाम तो भी आप किसी गेटवे के थ्रू आपका हो जाएगा पेमेंट। यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक गेटवे ले लेता हूँ, इसका यहाँ पे दिया ₹10 पर ट्रांजेक्शन प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस। इसके बाद ऐड एज प्रीफर्ड बैंक करने के बाद आप यहाँ पे मेक पेमेंट जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स पूरी तरह डाल देंगे, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप डाल देंगे, कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे पिन डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और इस तरीके से आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा इस तरीके, और मेल पे भी आपके मैसेज आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेन टिकट आसानी से बुक कर सकते तो मुझे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी हमको देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी और बैंकिंग से रिलेटेड खबरें लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।